ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जिस प्रकार से शहर के हालात आप समझ रहे होंगे कि लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि होती जा रही है, तो ऐसे में इस कहीं ना कहीं से संक्रमण को रोका जाए, इस प्रक्रिया को लेकर जो है टीओ के और यूटीए द्वारा जो कि निवेदन किया गया था कि सेल्फ लॉकडाउन किया जाए ताकि जो संक्रमण के बढ़ने के मामले उस चेन को कहीं ना कहीं रोका जाए। तो हमारे साथ ओमी करानी जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया को व्यापारी पालन करें ताकि इस चेन को जो है हम कहीं ना कहीं रोक सकें। जिस प्रकार से कल जो कि खबर आई थी, कल व्हाट्सएप में भी, सोशल मीडिया में भी, और सभी के इसमें यही चर्चा थी कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको चलते हुए यूपीए फोरम्स ने जो कि निर्णय लिया, व्यापारियों से निवेदन किया है कि सेल्फ लॉकडाउन किया जाए ताकि जो कि मामले कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं तो उस पर जो है रोकथाम आ सके। तो किस तरीके से निर्णय लिया गया, किस तरीके की बैठक हुई है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों को दिन में 100-150 फोन आते हैं लोगों के कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल जो भी यूटीए में जुड़े हुए जितने भी एसोसिएशन हैं सभी अध्यक्षों से हम लोगों ने एक जूम ऐप पे मीटिंग लिया और काफ़ी देर, लगभग एक घंटा तक मीटिंग चला। और मीटिंग में सबका सुनने के बाद सभी लोगों का म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ कि हम एक हफ्ते का सेल्फ लॉकडाउन होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम पे मार्केट खुले हुए हैं और बाहर निकलना ज़्यादा बढ़ गया है और लोग कोई भी मतलब नियम का पालन कर नहीं रहे हैं, ना ही कोई ग्लव्स पहन रहे हैं, ना ही कोई मास्क पहन रहे हैं, ना ही कोई सोशल डिस्टेंस है। तो ये रीज़न है जो कि मतलब लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें खरीदारी नहीं भी करनी है लेकिन मार्केट ओपन है तो वो घूमने के हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और यहाँ पे बेड्स का उतना प्रोविजन है नहीं। तो हम लोगों का ये डिसाइड हुआ आपस में चर्चा करके कि अगर ये लॉकडाउन हम करते हैं और लोगों का निकलना कम हुआ तो एक ट्रायल है कि वे हो सकता है कि जो नए जो पेशेंट्स आ रहे हैं डेली 100 के ऊपर, वो कहाँ ना कहाँ उसकी गति में कमी आएगी। और अगर वो कम होते हैं तो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट हैं, जो ठीक होते जा रहे हैं, तो कहा ना कहा वो कवर अप करने के हिसाब से ये एक ट्रायल हम ले रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे जो भी हम यूटीए से जुड़े हुए जितने भी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने सबने हामी भरी है इस निर्णय में और सभी लोग हमारा साथ देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। उमेश जी, जिस प्रकार से जब शहर में मामले कम थे, अब जो है शहर में मामलों की बात करें तो 1600 तक के मामले जो है जा चुके हैं, उसमें जो ठीक हुए हैं वो उनका आंकड़ा 933 है और जो उपचार ले रहे हैं उनका जो है 650 के करीब जो है मामले हैं जो कि एक्टिव केस हैं। लेकिन कुछ हफ्तों पहले जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा था कि विपक्ष हो या फिर सत्ताधारी हो तो वो लगातार व्यापारियों को लेकर जो है टाइमिंग को लेकर के व्यापार जो है इतने समय से इतने समय तक होना चाहिए, 9 से 9 की भी मांग हुई थी, वहीं पर यूटीए द्वारा जो है 8 बजे तक की जो है मांग की गई थी। तो उस समय ये सवाल किए थे कि अगर व्यापार खुलता है तो जो है परिस्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ेगी, तो उस समय कहा गया था कि नहीं, इससे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब परिस्थिति जो अलग है और उस पर जो निर्णय लिया जा रहा है कि लॉकडाउन किया जाए, तो उस समय में इस तरीके की भूमिका क्यों रही और अब इस समय इस तरीके की भूमिका क्यों नजर आ रही है? देखिए, उस समय जो आंकड़े थे और जो डेली जो केसेस बढ़ रहे थे वो काफ़ी हद तक कम थे और आज के अगर आंकड़े देखेंगे तो डेली 100 के ऊपर आंकड़े जा रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि पहले 27 लॉकडाउन के पहले 27 दिन में एक पेशेंट हमको मिला था और आज का पोजीशन ये है कि भाई एक दिन में हमको 100 से ऊपर लोग मिल रहे हैं। तो परिस्थिति जैसे बदली है तो और हम मांग क्या रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, मेरे खुद के कौन से दुकान है, कौन से मेरे बिजनेस चल रहे हैं उल्लासनगर में जो मैं ये डिमांड करूँ। ये जो हम डिमांड कर रहे हैं ये आप ही लोगों के लिए, जो आम जनता है, चाहे वो व्यापारी हो आम जनता हो, हम उनके लिए ये डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड में भी जो P1 P2 बेसिस पर अगर आप पकड़ेंगे तो हम सिर्फ 3 दिन बंद करने के लिए बोल रहे हैं उनको, अभी ऑल्टरनेट डे वैसे भी दुकान खोल रहे हैं। तो हम जो मांग रहे हैं 3 दिन मांग रहे हैं वो भी शहर की जनता के लिए मांग रहे हैं। हम कोई हमारे कोई पर्सनल या और ये कोई राजनीति करने वाला समय नहीं है। मैंने भी काफ़ी सारे राजनीतिक लोगों के बाइट सुने, बहुत सारे लोगों का मैंने ओपिनियन देखा, तो मैं तो उनको ये बोलना चाहूँगा कि तुम पहले जो अपना खुद का वार्ड नहीं संभाल सक रहे वो शहर का क्या बात कर रहे हैं ये सब कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो
जिन्होंने मतलब मेरा उनसे सवाल है कि तुमने ये महामारी के टाइम पे तुमने तुम्हारे तरफ से लोगों के लिए क्या किया है, तो ये लोगों को पूछना चाहिए वो लोगों से। हम कम से कम ये क्लेम करते हैं कि जैसी महामारी चालू हुई तो हम लोग का एक पहला पॉलिटिकल पार्टी था जिन्होंने सैनिटाइजेशन चालू करवाया, जिन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन चालू करवाया, जो मतलब आए दिन हम कुछ ना कुछ आर्सेनिक हट्टी डिस्ट्रीब्यूट करवाए, आए दिन हमारा कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी चालू रहता है पब्लिक के लिए। लेकिन ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई बंद नहीं होना चाहिए, उनको मेरा सवाल है कि उन्होंने खुद क्या किया है हमारे शहर वालों के लिए, पहले उस चीज का जवाब दे, बाद में बैठे चर्चा करें कि बंद हो या नहीं। अमित जी, इससे कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा कि जब लॉकडाउन होगा तो लोगों का बाहर निकलना कम होगा, मामले कम होंगे, कहीं ना कहीं कोरोना की इस चेन को रोकने में जो है एक सहायता मिल पाएगी जिस तरीके से जो की कोशिश की जा रही है। वही अब सवाल यह है कि प्रशासन की भी लगातार गलतियां सामने आ रही है, जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो मरीजों को लिया नहीं जा रहा है, आदेश भी निकाले गए हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी वही चीजें हो रही है। लोगों को जब क्वारंटाइन के लिए लिया जाता है या फिर कोई पेशेंट जो है जाता है जांच करने के लिए, उन्हें घंटों तक रुकना पड़ता है, तो प्रशासन की जो कहीं ना कहीं चूक है ये भी मामलों को बढ़ाने के लिए जो है सक्षम है, तो प्रशासन से किस तरीके की मांग रही कि हालात जो है बद से बेहतर होते जा रहे हैं। देखिए, प्रशासन जो है वो पहली बार तो मतलब उनको काफी अच्छे से बेड्स और बाकी के सब अरेंजमेंट उनको करके रखने चाहिए थे, कहना का प्रशासन की तरफ से ये कमी रही है अभी। लेकिन अभी तकलीफ यहाँ पे आ गई है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ऐसे में अगर डॉक्टर्स को ये तकलीफ आना चालू हुआ तो इलाज कौन करेगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हम बार बार लोगों को ये बोल रहे हैं कि एक ही एक इलाज है इसका कि खुद प्रिवेंटिव रहो इन चीज़ों से, मास्क पहनो या हैंड ग्लव्स पहनो जब भी बाहर निकलो, तो एक ही एक हमको ये इलाज है। और मेरा लगातार सभी लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है कि आजकल बहुत सस्ते ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए हैं और मैक्सिमम जो डेथ अभी मैंने पिछले कुछ दो या तीन दिन में 6 डेथ जो है वो मैंने मेरे आंखों से देखे हैं, तो उनका रीजन ही ये है कि ऑक्सीजन कम होने के बाद उनको जब लेके जाते हैं हॉस्पिटल में तो उधर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है या कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे शहर में। तो ऐसे में एक इमरजेंसी ऑक्सीजन किट कुछ 500-550 रुपए का मेडिकल स्टोर में मिलता है, वो एक हर एक आदमी अपने अपने फैमिली के लिए अपने घर के लिए इमरजेंसी के लिए लेके रखे। होम आइसोलेशन प्रक्रिया पे भी जो है रोक लाई गई है अभी, इस पे क्या कहना है, क्योंकि जो है होम आइसोलेशन के लिए काफ़ी कोशिश आपने की थी लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उस पर रोक लाई गई है। देखिए, होम आइसोलेशन आज भी मेरा यही वापस से डिमांड रहेगा, ये जब से कमिश्नर हमारे बदले हुए हैं तो नए कमिश्नर जब तक पूरा शहर का पूरा सर्वे करें और अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन मेरा होम आइसोलेशन का ये डिमांड रहेगा क्योंकि बहुत सारे जो बेड्स हैं जो मतलब उनमें ऑक्यूपाई हो रहे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं सामने, तो जिनको सिम्टम नहीं आ रहे जो होम आइसोलेट हो सकते हैं उनके लिए भी बेड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में हम उनको होम क्वारंटाइन करके या होम आइसोलेट करके और जिनको सिम्टम्स है जिनको तकलीफ होने का चांस है उनमें ये बेड्स हम यूज़ करें, तो ऐसा मेरा प्रशासन से मांग रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।